जैसे कि आप लोग जानते हैं, तेलंगाना के हिंदुस्तान के हालात डे बाई डे खराब होते जा रहे हैं। हाल ही में एक बच्चे को कुत्ता मार दिया, फिर जो सो कल और एक केस हुआ वारंगल में, और एक जो सो बच्चे को अटैक करा वारंगल में। तो इसी तरीके से जो सो दिस गवर्नमेंट इज फेलियर इन ऑल एस्पेक्ट्स इन ऑन ऑल फ्रंट्स। तेलंगाना स्टेट में बीआरएस इज अ फेलियर गवर्नमेंट। मामूली जो सो कुत्तों को जो सो रोक नहीं सक रहे, लोगों के लिए शेल्टर हाउस नहीं बना सक रहे। चार पैर के कुत्ते बच्चों को मार रहे हैं, दो पैर के कुत्ते बड़ों को मार रहे हैं। तो आप देखेंगे हर दिन कत्ल हो रहा, हर दिन कत्ल हो रहा। दिस गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द क्राइम, वी कैन नॉट इवन कंट्रोल द डॉग्स। जब डॉग्स को कंट्रोल नहीं कर सके तो हुकूमत कैसा करेंगे। और आप देखेंगे कल चेतनिया का कॉलेज का बच्चा एक सुसाइड कर लिया, जबकि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड, इट इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ ऑफ इंडिया। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज एन ऑफेंस। कॉर्पोरल पनिशमेंट के साथ उसके साथ अब्यूज हुआ, बच्चे के साथ जो है अनहेल्दी बिहेवियर हुआ, बच्चे को जो है असॉल्ट किया गया। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड, रैगिंग इज बैंड, रैगिंग कंटिन्यू हो रही, इट इज अ वेरी बिग ऑफेंस। डॉक्टर प्रीति का देखिए, वो बच्ची भी मर गई। तो क्या हो रहा, गवर्नमेंट इज फेलियर इन ऑल फ्रंट्स, इन ऑल एस्पेक्ट गवर्नमेंट इज फेलियर। आप बोलते, आप ऐसे ऐसे मुसलमानों के कायदे थे, बोलते कि हम पहले चले गए खदीर के पास, हम गए जाके हम पुरसा दिए, ये करे क्या करे। आप आज तक, अब तक इस वक्त तक जो सो खदीर का FIR इश्यू नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, आज तक क्या FIR इश्यू नहीं हुआ। द अक्यूज हैज नॉट बीन ब्रॉट अंडर लॉ, अभी तक उन लोगों का FIR नहीं हुआ। जो भी पुलिस वाले खदीर को जो टॉर्चर करके मारे, आज तक FIR नहीं हुआ। खाली जाके वीडियो में आ गए, कैमरे में आ गए, खाली व्हाट्सएप पे कर लेके मैं गया था, मैं जो है नुमाइंदे की करा, मैं ये करा, मैं क्या मैं। आप एक FIR इशू नहीं करा सकते, लोकल MLA भी जाके रिप्रेजेंटेशन दिए, आज तक अब तक के FIR इशू नहीं हुआ वहाँ पे। बड़े अफसोस से कहना पड़ा मेरे को। और ये जो बड़ा चैतन्या कॉलेज के बच्चे का जो है सो असॉल्ट हुआ, बच्चा जो सुसाइड करा, उसके ऊपर जो है सो इंक्वायरी होना चाहिए इन डेप्थ। और ये नारायणा है, गौतम स्कूल है, जो भी कॉर्पोरेट स्कूल है, इन लोगों पर जो है सो स्ट्रिक्टली जो है सो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज पनिशेबल। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, उसमें अमेंडमेंट्स आना चाहिए। रैगिंग में भी अमेंडमेंट्स आना चाहिए। ये लोग को जो है सो बेल ही नहीं होना चाहिए अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। प्रीति का देखे तो वैसा है, खदीर का देखे तो ऐसा है, कुत्तों का देखे तो ऐसा है, और रैगिंग का देखे तो ऐसा है। इस तरीके से जो है सो गवर्नमेंट चलेगी तो कैसा लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, हाउ पीपल विल गेट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। खाली गवर्नमेंट का काम ये है, वहां प्लॉट ऑक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट ऑक्शन कर रहे हैं, ये काम कर ले रहे हैं बस। महमूद अली साहब एक FIR इशू नहीं करा सके आप खदीर के केस में, आप मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन कर देना चाहिए, आप मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन करना चाहिए। जबकि जो सो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट सबमिट करे, इसको टॉर्चर करके मारा गया तो भी जो है सो उसके ऊपर एक FIR नहीं हुआ, एक एक्शन नहीं लिया गया। बहुत अफसोस से कहना चाह रहा हूँ मैं कि आने वाले हुकूमत में, आने वाले इलेक्शन में BRS गवर्नमेंट को स्टेट में और BJP गवर्नमेंट को सेंटर में हाथ दीजिए, और एक सेक्युलर गवर्नमेंट को आने की कोशिश करिए।